किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। इसी बात को देखते हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का एक नया बैच आरपीएससी अड्डा पर ऑफलाइन शुरू हो रहा है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो तो जुड़ ही जाइए, क्लासेस शुरू हो चुकी है, लेकिन एक फ्रेश बैच ऑफलाइन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है 4 मार्च 2024 को। तो अगर आप उदयपुर संभाग के आसपास रहते हैं या राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं और उदयपुर आकर एक ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ जाइए। 4 मार्च शाम 4 बजे ये सेमिनार और क्लास जो है वो रखी जा रही है। ये वही टीम है, वही टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है जिस टीम के द्वारा जो 2013 में 2016 में हाईएस्ट सिलेक्शन दिए थे और 2021 में भी टॉप 3 रैंक जो है वो हमारी थी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, मिलेंगे हम लोग इस सेशन में। तो हम लोग आज से सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के भी होते हैं, कुछ आर्ट्स के होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं, तो ये वो चैप्टर है जहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है ना। तो वो चैप्टर कौन सा है? उस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। तो हम आज से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो नेशनल इनकम शुरू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं हम इसकी भी बात करेंगे। नेशनल इनकम को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो नेशनल इनकम को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, नेशनल इनकम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखो, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम की परिभाषा, डेफिनेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हम इस लायक हो जाते हैं कि नेशनल इनकम की परिभाषा हमें समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो नेशनल इनकम की आती है वो यही आती है कि नेशनल इनकम की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ऐसा कौन डिपार्टमेंट है। देखो, वैसे तो नाम से इन जनरल अगर हम लोग सोचें तो नाम से समझ में आ रहा है नेशनल इनकम। नेशनल मतलब देश की, मतलब देश की इनकम को ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। अब हालांकि इसमें बहुत सारे सस्पेंस है, देश का मतलब किसकी बात हो रही है, हमारे देश के अंदर की बात हो रही है या देश के बाहर की बात हो रही है। अगर बाहर की बात नहीं हो रही है तो कुछ लोग हमारे वो ऐसे भी तो हैं जो रहते कहाँ पे हैं, है तो भारत के लेकिन पैसा कहाँ कमाते हैं, विदेशों में। तो उनकी इनकम हमारे नेशनल इनकम में शामिल होगी या नहीं होगी, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि नेशनल इनकम का मतलब होता है देश में कमाई गई इनकम, लेकिन देश का मतलब क्या ये भी सोचना पड़ेगा। भाई हमारी जो बाउंड्री है, जैसे भारत ख़त्म पाकिस्तान चालू, भारत ख़त्म चाइना चालू, तो चलो ठीक है, वो बॉर्डर तक तो हमारा एरिया है, वो तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने डिसाइड किया था, तो वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत के 3 तरफ पानी है, बंगाल की खाड़ी है, तो बताओ पूरी बंगाल की खाड़ी हमारी है क्या? नहीं है। पूरा अरब सागर हमारा है क्या? नहीं है। तो किसी पर्सन ने अगर वहाँ पर पैसा कमाया तो वो इनकम नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, रहते कहाँ पे हैं, भारत में रहते हैं, तो उनकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक बड़ा सस्पेंस है। तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए जो कैलकुलेशन करे किसकी, नेशनल इनकम की। तो इसलिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में एक सिस्टम, एक प्रणाली बनी हुई है, हर एक काम को करने के लिए क्या करा हुआ है, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। जैसे कृषि के काम के लिए कृषि मंत्रालय बनाया हुआ है, उद्योगों के विकास के लिए उद्योग मंत्रालय बनाया हुआ है, जिनको काम सौंपा हुआ है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में सोचना है, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्री के बारे में सोचना है। वैसे ही एक डिपार्टमेंट है जिसको स्पेसिफिक काम दिया है, किसका काम दिया है कि भैया तुमको भारत में नेशनल इनकम के जो डेटा हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन कौन करता है। अब देखो यहाँ पर भी 2 डिपार्टमेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलेट कौन करता है
और दूसरा क्वेश्चन है डेटा पब्लिश कौन करता है। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जो कैलकुलेशन कर रहा है वो तो डेटा कलेक्ट कर रहा है, पता कर रहा है कि पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, राजस्थान में कितना कमा रहा है, एमपी में, यूपी में कितना कमा रहा है। और एक जो डिपार्टमेंट है ये वो डिपार्टमेंट होगा जो आंकड़े प्रकाशित कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कैलकुलेशन कौन करता है। देखो कैलकुलेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, या फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं डेटा से संबंधित जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से संबंधित दो क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आंकड़ों के दो काम होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आंकड़े जिसे हम लोग डेटा के नाम से जानते हैं, इन आंकड़ों को सबसे पहले तो बात होती है इन आंकड़ों का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। जब बात संग्रहण की होती है तो संग्रहण का मतलब होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन कौन करता है, आंकड़े इकट्ठे कौन करता है, ये एक बात है। और दूसरा बात आती है कि नेशनल इनकम के जो डेटा होते हैं उनका प्रकाशन कौन करता है। ओके, प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिकेशन, प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिकेशन। तो इसका पब्लिकेशन कौन करता है ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें दो डिपार्टमेंट के नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। कौन कौन से ध्यान रखने हैं, अगर डेटा को कलेक्ट करने की बात आती है तो ये डिपार्टमेंट है NSSO, और डेटा को पब्लिश करने की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है CSO के बारे में। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये बात अलग है कि आज इन दोनों डिपार्टमेंट का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट का मर्जर हो चुका है। अब NSO आ चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वो लेटेस्ट अपडेशन के हिसाब से नहीं हो, तो हमें इतिहास पता होना चाहिए इतिहास क्या है। ओके, तो डेटा का संग्रहण कौन करता है, NSSO करता है, और CSO जो है वो क्या करता है, डेटा को पब्लिश करता है। CSO कभी भी सैंपल जो भी डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम नहीं करेगा। ओके, अगर हम लोग इनके फुल फॉर्म की बात करें तो NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ओके, पहले ऑर्गेनाइजेशन था ये, पहले O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, फिर 2015 में अपडेट हुआ और फिर O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके ऑफिस कर दिया गया। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि दो डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से हैं, एक है हमारा NSSO और एक डिपार्टमेंट है हमारा कौन सा, CSO। जब बात हम लोग करते हैं NSSO की, तो NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। CSO को हम लोग क्या कहते हैं, CSO को हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये नाम होता है बेसिकली इसका। इसका हिंदी में नाम क्या है वो भी समझ लेते हैं। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन हम लोग इसे कहते हैं। ओके, और इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सेंट्रल मतलब केंद्रीय होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये अपने को दोनों के बारे में फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए। ओके, तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से हैं, NSSO है और CSSO है। बात करते हैं सर दोनों का जो स्थापना है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक साथ हुआ या अलग अलग हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थापना, इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो NSSO जो आया था वो एक साल पहले आ गया था, 1950 में आया था, लेकिन जो CSO है वो 1951 में आया था। ओके, मतलब दोनों की जो स्थापना है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और उनको पता था कि अब हमें देश का विकास करना है, तो देश का विकास एक साथ तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो कदम उठाए। जैसे आपको पता है 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी, उसके बाद में 1951 से हमारे भारत में 5 ईयर प्लान,
पंचवर्षीय योजनाओं को उन्होंने शुरू कर दिया था। ओके, फिर 5 ईयर प्लान को संभालने के लिए भी एक डिपार्टमेंट चाहिए था, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, योजना आयोग बनाया। तो इस तरीके से बैक टू बैक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, वो इस्टेब्लिश करने भी थे, क्योंकि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। वैसे ही उन्होंने 1950 में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया 1950 में, और 1951 में इन्होंने CSO को स्टार्ट किया। ओके, फिर बात करते हैं इनका जो काम क्या था, वो काम क्या होता है। तो NSSO हमेशा क्या काम करता है, NSSO हमेशा डेटा कलेक्शन का काम करता है, यह हमेशा डेटा कलेक्शन का काम करता है, आंकड़ों को संग्रहण करने का काम करता है। और जो CSO है वो क्या करता है, CSO हमेशा डेटा को पब्लिश करने का काम करेगा। कौन से डेटा को पब्लिश करने का काम करेगा, तो ये जो नेशनल इनकम होती है हमारी, हमारे इंडिया की जो नेशनल इनकम है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ नेशनल इनकम के डेटा पब्लिश कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, CSO। लेकिन नेशनल इनकम के डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, NSSO का होता है। इसमें एक बात हम और ऐड कर सकते हैं इसके कामों में, इसका काम और क्या होता है, तो इसका सेकंड काम आप ले सकते हो, हमारे भारत में गरीबी के साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की। तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रहण, तो गरीबी, कितने लोग गरीब हैं भारत में, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी का मतलब होता है पॉवर्टी। तो हमारे इंडिया में कितने लोग जो हैं वो गरीब हैं या कितने लोग बेरोजगार हैं, उनके डेटा कौन इकट्ठे करता है बताओ, उनके डेटा भी NSSO ही इकट्ठे करता है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले ये सब बेसिक चीज़ें जो है वो हमें 100% पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करता है, यही करता है। नेशनल इनकम के आंकड़े कौन इकट्ठे करता है, वो भी यही करता है। स्थापना उसकी 1950 में हुई। लेकिन जब CSO की बात करते हैं तो CSO क्या करता है, ये CSO डेटा पब्लिश करता है नेशनल इनकम के, फिर उसके बाद में और डेटा पब्लिश करता है किसके, प्रति व्यक्ति आय के। नाम आपने सुना होगा शायद, प्रति व्यक्ति आय, हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र होता है। प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो एक पर्सन एवरेज कितना पैसा कमा रहा है इंडिया में, उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके डेटा भी कौन पब्लिश करता है, CSO ही पब्लिश करता है। तो ये कुछ मेन जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ओके, तो हम लोग साथ साथ में नोट भी करेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग तो डाल ही दिया है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, सबसे पहला आप नोट कर लीजिए। आंकड़े सेम टू सेम ऐसे ही, देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मेरा थोड़ा पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है, RS में तरीका अलग होता है मेंस में, और यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग होता है। अलग ये है कि अल्टीमेटली हमारा जो पैटर्न है वो MCQ पैटर्न है। अब क्योंकि पैटर्न हमारा MCQ है, तो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए मैक्सिमम जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा वो फ्लो चार्ट्स में या टेबल्स में ही होगी, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो चार्ट्स ही पूरी इकोनॉमिक्स में बनने वाले हैं। आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए, आंकड़ों का क्या होगा, राष्ट्रीय आय के आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े के दो डिपार्टमेंट होते हैं, आंकड़ों का संग्रहण होता है, प्रकाशन होता है। संग्रहण करता है NSSO, प्रकाशन करता है CSO। ये नोट कीजिए सबसे पहले। उसके बाद में फिर इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कर रहे हैं, और डिफरेंस इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, दोनों की पहले फुल फॉर्म आ गई, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, दोनों की स्थापना, दोनों के जो कार्य हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्थापना का, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कार्य का, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कार्य का, और यहां तक हो गया है। तो तीसरा पॉइंट एक और लिख देंगे हम लोग, इनका मुख्यालय, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो तीसरा पॉइंट इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे आप लोग,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्या तक की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए उस टीम के साथ जिसने 2013 में हंसराज बिश्नोई जैसे स्टेट टॉपर दिए थे, फर्स्ट रैंक दी थी, 2016 में भी कई सिलेक्शन दिए थे और 2021 में भी स्टेट के 3 टॉपर जो है वो हमारे स्टूडेंट ही हैं। तो गाइज जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। नया बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है जो कि हमारी एप्लीकेशन पे है। मात्र फीस 2499 में आप एक बायलिंगुअल कोर्स को पाएंगे जहां पे ई नोट्स भी आपको मिलेंगे, एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी उन लोगों के साथ कर सको, उन टीचर्स के साथ कर सको जो आपको एक सही मार्गदर्शन, एक सही रणनीति तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये वही टीम है जिसने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ में कई रिजल्ट दिए हैं जिनके साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी ज्वाइन करें। इसी के जस्ट नीचे आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं NSSO की, यहाँ हम बात कर रहे हैं CSO की और यहाँ पे हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो आ जाएगा और तीसरा पॉइंट आएगा इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, जब बात हेडक्वार्टर की आती है तो हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए, मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। मैक्सिमम हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। लेकिन एक और क्वेश्चन सीएसओ के अगर हेडक्वार्टर से आता है तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताओ सीएसओ का सांख्यिकी कार्यालय कहाँ पे है। अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाए तो सीएसओ का सांख्यिकी कार्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे मेनली डेटा को फिल्टर करने का काम जो है वो किया जाता है। स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो कोलकाता में है, ये आप एडिशनल नोट कर लीजिए, इसको आप लोग एडिशनल नोट कर लो कि हेडक्वार्टर अगर हमको ध्यान रखना है तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक का नई दिल्ली में है, दूसरे का भी नई दिल्ली में है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ ले कि सांख्यिकी कार्यालय कहाँ पे है तो बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर होगा आपका कोलकाता में। ठीक है यहां तक? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सीएसओ और एनएसएसओ में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके मर्जर की कहानी पे। अब हम चलते हैं इसके मर्जर की कहानी। सर क्या ये और दोनों ऑर्गेनाइजेशन अभी जिंदा है? तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा नहीं है, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया है। अच्छा एक बात और, एक पॉइंट और यहाँ आ सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ सकता है, वो पॉइंट होगा हमारा किसका, मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एनएसएसओ कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो एक मंत्रालय है जिसका नाम है MOS & PI। ये भी मंत्रालय यहाँ पे भी सेम है, MOS & PI। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो M का मतलब होता है मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये इस मिनिस्ट्री का नाम है। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इस मंत्रालय के अधीन में ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में इसके जो हेड हैं वो राव इंद्रजीत सिंह हैं, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री समझ में आ गई है आप लोगों को? ठीक है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहानी अब क्या है, कहानी ऐसे समझते हैं
बताओ मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये एक मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में दो विभाग काम करते थे, बताओ कौन कौन से? इस मिनिस्ट्री के अंडर में दो विभाग काम करते थे, बताओ दो विभाग कौन कौन से हैं? एक है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये दोनों काम कर रहे थे, लेकिन सरकार को लगा कि क्यों दो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाए जाए। जिस तरीके से बैंकों का मर्जर होता है, वैसे ही सरकार कहीं ना कहीं बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर कर देती है, बहुत बार योजनाएं जो अलग अलग चल रही होती है योजनाओं का भी मर्जर कर देती है, ताकि एक सिस्टमेटिक काम चल सके। तो NSSO CSSO आज की तारीख में क्या दोनों है? तो नहीं, आज की तारीख में दोनों नहीं है, आज की तारीख में दोनों का मर्जर हो चुका है। तो बेसिकली इन दोनों का क्या हो चुका है? मर्जर हो चुका है। कब हुआ था? 2019 में दोनों का मर्जर हो चुका है। मर्जर को हम लोग कहते हैं विलय हो चुका है। अब जब दोनों मिल गई है तो क्या कोई नया नाम सामने आया है? तो हाँ, एक नया नाम सामने आया है, एक नया नाम हमारे सामने आया है। वो नया नाम क्या है? देखिए, नया नाम है NSO। कुछ शब्द यहां से ले लिए, कुछ शब्द यहां से ले लिए। कैसे मर्जर किया है? देखो, यहां से ये जो N है, N का मतलब नेशनल था, तो यहां से N ले लिया, और वहां जो दो शब्द थे SO, वो SO ले लिया। तो बेसिकली आज इसका जो नया नाम है वो क्या हो चुका है? आज इसका जो नया नाम है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आज इसका नाम जो है वो हो गया है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के नाम से जानते हैं। जो पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था वो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो चुका है। ठीक है, ये एक और फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे जो काम कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों का क्या हो चुका है? मर्जर हो चुका है, अब ये दोनों मिल चुके हैं। तो अब आप मेरे से ये पूछोगे, सर अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दो बातें हो सकती है, या तो एग्जामिनर हमसे लेटेस्ट पढ़ा हुआ एक्सपेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जहां पे पूछा जाता है कि बताओ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन या डेटा कौन पब्लिश करता है, तो अब तो एक ही डिपार्टमेंट है, वही डिपार्टमेंट पब्लिश भी करेगा, वही डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट भी करेगा डेटा। ऐसा क्यों किया है सरकार ने? ताकि पहले तो क्या हो रहा था, पहले कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था दोनों के बीच में, भाई एक जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करना ही क्यों है, एक ही डिपार्टमेंट बना देते हैं, उसी डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्शन भी होगा और पब्लिकेशन भी होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम जो है वो किया जा रहा है आज की तारीख में, तो आपका आंसर क्या होगा? NSO। अब अगर उस क्वेश्चन में ऑप्शन में NSSO भी हो, उस क्वेश्चन में CSO भी हो और NSO होगा, तो आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, अगर गलती से एग्जामिनर आंसर शीट में NSSO लिख के लिख देता है तो पक्की बात है फिर वो क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि हम लोग सही हैं, हम लोग लेटेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर NSO ऑप्शन में ही नहीं है, जैसे आज भी मार्केट में बहुत सारी किताबें गाइडें आ रही है जिसमें कौन गणना करता है, तो उसमें वो लोग NSSO ही चला रहे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर भी ऐसा निकल जाएगा NSO का नाम है ही नहीं। तो फिर दो बातें ध्यान रखनी है, डेटा कलेक्ट कौन करता है, डेटा पब्लिश कौन करता है। तो कलेक्शन का काम किसका है? NSSO का, और पब्लिकेशन का काम किसका है? CSO का। इस तरीके से अपने को चलना है। डन यहाँ तक? तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हम केवल एक ही चीज पे पहुंचे हैं, हमने केवल एक ही चीज पढ़ी है, अभी केवल राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सारी बातें कर ली है कि जो डेटा नेशनल इनकम के होते हैं उनको कलेक्ट कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, ये हम लोगों ने बातें कर ली है। ओके, तो पहला पॉइंट हो चुका है। ऐसे ही करके हम लोग लगभग 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, तब जाके शायद हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि नेशनल इनकम की परिभाषा हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है तो उस कैलकुलेशन में कौन कौन से लेन देनों को शामिल किया जाता है। जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है
तो उस कैलकुलेशन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को शामिल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। जब भी नेशन इनकम की कैलकुलेशन हो रही है तो उस कैलकुलेशन में, क्योंकि नेशन इनकम का मतलब देश की इनकम है, देश की इनकम है मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं वो सब जहां जहां से जो जो पैसा कमा रहे हैं सारी इनकम को जोड़ दो तो नेशन इनकम आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक ट्रांजेक्शन जो हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, बताओ क्या हर ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो फिर कौन सा आना चाहिए बताओ? कौन सा? फाइनल फाइनल ट्रांजेक्शन आने चाहिए, ठीक है। और कोई? ठीक है, मतलब कुल मिला के इंडिया में जो नेट प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम लोग ऐड करेंगे आपके हिसाब से? हाँ हाँ ओके ठीक है, जो इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए वही आना चाहिए। और कोई नहीं? देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि नेशनल इनकम में ट्रांजेक्शंस कौन कौन से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। तो ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं नेशनल इनकम में ट्रांजेक्शन वो आते हैं जो किसके होते हैं, जो वस्तुओं और किससे संबंधित होते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन वस्तु और सेवाओं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, वो ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ट्रांजेक्शन जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पहली बात तो वो आएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि गुड्स के ही ट्रांजेक्शन आएंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि सर इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है, पर सर्विस तो प्रोड्यूस नहीं होती, सर्विस तो जनरेट होती है, सर्विस तो प्रदान की जाती है, तो बात आती है। तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में जो गुड्स होता है ना, उस गुड्स की डेफिनेशन अलग होती है। नॉर्मली गुड्स में गुड्स ही आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो गुड्स है उसमें गुड्स में गुड्स तो आते ही हैं, साथ में सर्विसेज भी आती है। मतलब इंडिया में अगर कोई भी पर्सन कोई गुड्स या सर्विस के ट्रांजेक्शन कर रहा है वो आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गुड्स और सर्विस का क्या हर एक ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएगा? अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या हर एक ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब मैं बता देता हूं, केवल गुड्स और सर्विस से काम नहीं चलने वाला, केवल गुड्स सर्विस से काम नहीं चलने वाला, काम किससे चलेगा? ट्रांजेक्शन वही आएंगे नेशनल इनकम में जिसकी अपनी एक मॉनेटरी क्या होने वाली है, अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होगी, अपना एक मौद्रिक मूल्य होगा। मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनका मनी में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, वो ट्रांजेक्शन जिनका मुद्रा में मूल्यांकन जो है वो संभव नहीं है, वो ट्रांजेक्शन नहीं आ सकते। आप इसे ऐसे समझो कि वो ट्रांजेक्शन जहां पे गुड्स है बट पैसा नहीं है, वो नहीं आएगा। वो ट्रांजेक्शन जहां पैसा है पर गुड्स नहीं है, वो ट्रांजेक्शन भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब एक तरफा ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है बताओ, हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम कुछ परचेस करते हैं, तो हमने खरीदा, हमने गुड्स लिया, उसको पैसे दिए, दो तरफा हो गया, टू साइडेड ट्रांजेक्शन हो गया। हमने सर्विस ली, पैसा दिया, होटल में खाना खाया, पैसा दिया, कार खरीदी, पैसा दिया, लैपटॉप खरीदा, पैसा दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये टू साइडेड हो रहे हैं। ऐसे टू साइडेड ट्रांजेक्शन तो हमेशा नेशनल इनकम में काउंट होने ही होने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो गुड्स है, पैसा है, आएगा, सर्विस है, पैसा है, नहीं आएगा, सॉरी ये भी आएगा, लेकिन इसके अलावा जो बच गया वो कभी भी नहीं आएगा। अब जैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि सर जैसे का मतलब क्या है, कैसे पता पड़ेगा कौन से ट्रांजेक्शन है, तो आओ बात करते हैं। पहले
ये समझ लो कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में गुड्स और सर्विस के बदले में पैसा है तो उससे उससे जो इनकम जनरेट होती है, उससे जो इनकम जो आय उससे सृजित होती है, उस इनकम को हम किस नाम से जानते हैं, उस इनकम को, हालांकि इसको और आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी से समझ लो उसे हम कारक आय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कारक आय कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसे फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो आप, नेशनल इनकम में कौन सी इनकम शामिल की जाती है? तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम, कारक इनकम से संबंधित जो आय है वो ही शामिल की जाती है। लेकिन अब आपके माइंड में कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर सबसे पहले तो ये बताओ ये फैक्टर इनकम क्या होती है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो फैक्टर इनकम, तो एक परिभाषा तो फैक्टर इनकम की ये हो गई कि जहाँ पे गुड्स और सर्विस के बदले में पैसा होता है, जो टू साइडेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो फैक्टर इनकम होती है। और फैक्टर इनकम अगर है तो वो किसमें शामिल हो जाएगी? वो राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगी। जब भी नेशनल इनकम के डेटा काउंट किए जाएंगे तो इस इनकम को शामिल किया जाएगा, बराबर है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। यहां से अब हमको यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली फैक्टर इनकम क्या होती है। आओ थोड़ा सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। इसी बात को देखते हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का एक नया बैच आरपीएससी अड्डा पर ऑफलाइन शुरू हो रहा है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो तो जुड़ ही जाइए, क्लासेस शुरू हो चुकी है। लेकिन एक फ्रेश बैच ऑफलाइन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है 4 मार्च 2024 को। तो अगर आप उदयपुर संभाग के आसपास रहते हैं या राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं और उदयपुर आकर एक ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ जाइए। 4 मार्च शाम 4 बजे ये सेमिनार और क्लास जो है वो रखी जा रही है। ये वही टीम है, वही टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है जिस टीम के द्वारा जो 2013 में 2016 में हाईएस्ट सिलेक्शन दिए थे और 2021 में भी टॉप 3 रैंक जो है वो हमारी थी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, मिलेंगे हम लोग इस सेशन में। देखिए फैक्टर इनकम तभी समझ में आएगी जब सबसे पहले हमको क्या समझ में आएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आएंगे। देखिए जैसे वो कहा जाता है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग तभी आ सकती है जब आपकी वोकैबुलरी शब्दावली बहुत अच्छी हो, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, नहीं तो आपके पास शब्द ही नहीं होंगे बोलने के लिए। वैसे ही इकोनॉमिक्स भी तभी समझ में आएगी जब इकोनॉमिक्स की छोटे छोटे से जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझ में आएगी। तो हम लोग आज से वो बेस हमारा बनाना शुरू कर रहे हैं और बेस अगर हमारा तैयार हो गया, नींव अगर हमारी मजबूत हो गई, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस छोटे छोटे से कंसेप्ट हम लोग देखते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने ये समझ लिया CSO क्या होता है, हमने समझ लिया NSSO क्या होता है, नया इसमें जो मर्जर हुआ है वो क्या हुआ होता है। अब हम बात कर रहे हैं कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? हम लोग हिंदी में इसे उत्पादन के कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? हम लोग हिंदी में इसे उत्पादन के कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उत्पादन के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो होते हैं 4। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा पे जाते हैं कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स जिनके बिना, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जिनके बिना क्या पॉसिबल नहीं है, जिनके बिना उत्पादन कार्य क्या होगा बोलो, उत्पादन कार्य जिनके बिना असंभव होगा,
तो जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बताओ उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। विदाउट दीज फैक्टर्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मुझे ये पेन बनाना है तो बताओ पेन बनाने के लिए, पेन का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत है, बताओ। सबसे पहले मुझे पेन बनाना है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सर पेन बनाना है तो सबसे पहले आपके पास में सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के तो बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास में किसकी जरूरत, क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, एक बात तो ये पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात आप ये भी समझो कि जब पैसा होता है ना तो दो चीजें आ जाती है, कैपिटल में दो चीजें शामिल होती है। अगर मेरे पास में पैसा है तो मैं रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दूंगा, अगर मेरे पास में पैसा है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं मशीन भी मंगा दूंगा। मशीन भी तो चाहिएगी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो प्रोडक्शन करना है तो कच्चे माल की आवश्यकता है, और प्रोडक्शन करना है तो मशीन की भी जरूरत है, ये मानते हो आप? अगर ये पेन बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसे में दो चीजें शामिल है, पैसा है तो इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, मैंने ऑर्डर दे दिया, और क्योंकि केवल प्लास्टिक से तो काम होगा नहीं, प्लास्टिक से पेन बनाना है तो मशीन का यूज भी करना पड़ेगा, तो कैपिटल में ये दोनों चीजें शामिल होती है, ध्यान रखना। ओके, अब बताओ पैसा है, मैंने इन दोनों का ऑर्डर दे दिया है, अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? लेबर चाहिए, लेकिन लेबर तो बाद में चाहिए, पहले तो जैसे ही मैं इनका ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर देने के बाद ये मुझे रिसीव हो जाएगी तो इनको रोड पे तो रखूंगा नहीं, प्रोडक्शन सड़क पे तो कर नहीं सकता, तो मुझे किसकी जरूरत है बताओ? मुझे लैंड की जरूरत है। तो जो दूसरा फैक्टर हमारा आता है वो आता है लैंड। लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लैंड को हम लोग भूमि के नाम से जानते हैं। तो जो दूसरा फैक्टर हमारा होता है वो कौन सा होता है बताओ? लैंड, जिसे हम लोग भूमि कहते हैं। अब सोचो इस पेन को बनाना है, पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आ चुका है, फैक्ट्री में पहुंच चुका है, मशीन भी आ चुकी है, अब किसकी जरूरत है बताओ? अब किसकी जरूरत है? अब जरूरत है उस पर्सन की जो काम करेगा और मेरे इस रॉ मटेरियल को मशीन की सहायता से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, कच्चे माल में कन्वर्ट करेगा, ऐसा ही होगा। तो अब जो हमको जरूरत है बताओ वो किसकी जरूरत है? अब हमें लेबर की जरूरत है। लेबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेबर को हम लोग श्रमिक के नाम से जानते हैं, अब हमें इसकी आवश्यकता है। ओके, और उसके बाद में अब क्या होगा? ये तीन आ चुके हैं, अब एक और फैक्टर चाहिए, बताओ वो क्या होगा? एक और पर्सन होगा जिसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम लोग हिंदी में साहसी कह सकते हैं। अरे वो पर्सन भी तो चाहिए जो रिस्क लेगा। अगर कोई पर्सन बिजनेस करने की रिस्क लेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? यही तो वो पर्सन है जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, पैसा नहीं होता तो मार्केट से लोन लेता है फिर धंधा चालू करता है। यही वो पर्सन है जो खुद की जमीन होगी तो खुद की जमीन पे प्रोडक्शन करेगा, खुद की जमीन नहीं होगी तो किराए की जगह लेकर अपना बिजनेस शुरू करेगा। यही तो वो पर्सन है जो मार्केट से या तो खुद काम करेगा, खुद काम नहीं करेगा तो मार्केट से लोगों पकड़ पकड़ के लेके आएगा और काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारे चार क्या होते हैं बताओ? ये चार हमारे क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी हालत में। प्रोडक्शन करने के लिए हमको इन सब की जरूरत होगी। लेकिन अब बात ये भी हमको समझनी है कि कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, तो चलो ये जो पर्सन है, ये जो फैक्टर है, ये तो एक पर्सन से संबंधित है, बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं, मेरा क्वेश्चन है कि कैपिटल, लैंड, लेबर, इनके ओनर कौन होते हैं? Who is the owner of factor of production? उत्पादन के साधनों के स्वामी कौन होते हैं बताओ? कैपिटल का मालिक कौन? लैंड का मालिक कौन? लेबर कौन करने जाता है? तो बताओ कैपिटल, बताओ कैपिटल पर्सन के पास में नहीं है तो वो बैंक में जाएगा, बैंक में जाके पैसा लेगा, लेकिन बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किसका है? पब्लिक का है। पब्लिक मतलब हमारा है। अरे हमने ही तो हमारा पैसा बैंकों में जमा करवाया है और उसी पैसे से तो लोन मिल रहा है फर्म्स को।
जमीन के मालिक भी तो हम में से ही कोई एक है, फर्म में काम करने भी तो हम में से ही कोई एक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन FOP लिख रहा हूं शॉर्ट में, है ना, जिसे हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं, तो ध्यान रखना उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधन के स्वामी कौन होते हैं, ओनर कौन होते हैं, स्वामी कह दो या ओनर कह दो एक ही बात है, तो जो ओनर होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में घरेलू व्यक्ति, उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग उसे घरेलू व्यक्ति कहते हैं। घरेलू व्यक्ति का मतलब क्या होता है, घरेलू व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में हाउस होल्ड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई है, घरेलू व्यक्ति। अब आप मेरे से ये पूछो कि सर इन घरेलू लोगों का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स। हम लोग कौन है, हम आम जनता है, हमारा काम क्या होता है, गुड्स का कंजम्पशन करना, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स ये काम होता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है वस्तुओं का, कंजम्पशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का उपभोग करना इनका काम होता है। तो हमारी इकोनॉमी में नॉर्मली दो तरह के लोग ही होते हैं, एक तो होते हैं हमारे जैसे आम नागरिक और एक होती है फर्म। तो हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनका काम क्या है, जो भी गुड्स और सर्विस मार्केट में है उनको कंज्यूम करना, उनको यूज करना। हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग गुड्स और सर्विस को कंज्यूम ही तो कर रहे हैं। ओके, तो हाउस होल्ड का काम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जितने पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है हाउस होल्ड का, घरेलू व्यक्तियों का, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे, कंजम्पशन करना या प्रोडक्शन करना, है ना, या एक्सपोर्ट करना, तो आपका आंसर क्या होगा, कंजम्पशन करना। ये तो एक काम हो गया। एक और पर्सन होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फर्म। बताओ फर्म का कार्य क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फर्म होती है फर्म का काम क्या होता है, बताओ फंक्शन ऑफ फर्म क्या होता है। एग्जैक्टली, तो फर्म का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात, फर्म का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन करना किसका काम है, बोलो फर्म का काम है, और उस गुड्स को यूज करना किसका काम है, बोलो वो काम है हाउस होल्ड का। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, साथ साथ में आप लोग नोटिंग भी करते जाना, हमने कहां से शुरू किया है, हमने सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था वो वाला डेटा आंकड़ों वाला, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे यहीं से, लेन देन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे वस्तु और सेवाओं से संबंधित लेन देन रिकॉर्ड होते हैं कहां पे, राष्ट्रीय आय में। लेकिन केवल वस्तु और सेवाओं से काम नहीं चलेगा, वस्तु और सेवाओं के साथ साथ उनका एक मौद्रिक मूल्य भी होना चाहिए। ओके, तो जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो वही ट्रांजेक्शन राष्ट्रीय आय में रिकॉर्ड होते हैं, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठ जाता है उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, जिसे कारक आय कहते हैं, और यही कारक आय राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। अभी बताऊंगा मैं, अगला सस्पेंस आने वाला है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। टू साइडेड ट्रांजेक्शन तो हमको साथ में दिख रहे हैं। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर वन साइडेड ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होते हैं, एक तरफा लेन देन क्या होते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और वहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन
राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते, तो वन वे वाले जो है वो अभी आएंगे, उन्हें हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। वैसे कहने में ये फैक्टर इनकम है, वो ट्रांसफर इनकम है जिसे हस्तांतरण आय कहते हैं। वो कौन से उसकी बात करेंगे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में फिर हम ये बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने सबसे पहले परिभाषा लिख दी, ये लिखोगे उसके बाद जस्ट नीचे आएगा परिभाषा कि जिनके बिना उत्पादन कार्य असंभव होता है। ठीक है, जिनके बिना उत्पादन कार्य क्या होता है, असंभव होता है, उन्हें उत्पादन के जो साधन हैं वो कहा जाता है। ओके, तो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपके सामने हैं। हमारे पास में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होते हैं। अब वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने हैं। और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला जो आता है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो सबसे पहला आता है वो आता है कैपिटल। कैपिटल में दो चीज़ें शामिल हैं, ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपिटल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। रॉ मटेरियल भी आता है और उसके बाद में मशीन भी आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लैंड होता है, लैंड के बाद में लेबर है, और लेबर के बाद में एंटरप्रेन्योर है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो होप सो गाइज, यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से, कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद में अब जो बात हो रही है, चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मेनली जो एक्टिव होते हैं, वो कैपिटल, लैंड और लेबर है। और एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन है जो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है, इन सबको इकट्ठा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ दो लोगों की हमने बात कर ली है। दो लोग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला घरेलू व्यक्ति और दूसरा फर्म। अगर हम बात करते हैं घरेलू व्यक्ति की, तो घरेलू व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो उत्पादन के साधनों के स्वामी है, पहली बात। दूसरी बात, घरेलू व्यक्ति जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है वस्तुओं का उपयोग करना, उपभोग करना, कंजम्पशन करना, ये काम इसका होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो फर्म का है। फर्म का काम क्या होता है, फर्म का काम होता है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काम होता है फर्म का, गुड्स की प्रोडक्शन का काम होता है फर्म का। ठीक है, यस, इन द डेफिनेशन ऑफ फर्म, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गुड्स, या आप यहाँ पे जनरेशन ऑफ सर्विसेज। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्शन का मतलब हमको लगता है नॉर्मली प्रोडक्शन गुड्स का ही होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब जब प्रोडक्शन वर्ड आएगा, उत्पादन शब्द आएगा, तो उसमें गुड्स सर्विस दोनों ऑलवेज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसों का जो सर्कुलेशन है वो कैसे चल रहा है, पैसों का जो रोटेशन है वो कैसे चल रहा है। और उस रोटेशन से ही मैं आपको तीन परिभाषाएं जो है वो एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, कैसे पैसों का रोटेशन चलता है, कैसे एक पर्सन पैसा कमाता है, वो दूसरे के पास जाता है, वही पैसा वापस घूम के उसके पास में आता है, हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में कैसे पैसों का रोटेशन चल रहा है, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम सर्कुलेशन ऑफ इनकम कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए उस टीम के साथ जिसने 2013 में हंसराज बिश्नोई जैसे स्टेट टॉपर दिए थे, फर्स्ट रैंक दी थी, 2016 में भी कई सिलेक्शन दिए थे और 2021 में भी स्टेट के तीन टॉपर जो है वो हमारे स्टूडेंट ही हैं। तो गाइस जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, नया बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे है। मात्र फीस 2499 में आप एक बायलिंगुअल कोर्स को पाएंगे जहां पे ई नोट्स भी आपको मिलेंगे, एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी उन लोगों के साथ कर सको, उन टीचर्स के साथ कर सको जो आपको एक सही मार्गदर्शन, एक सही रणनीति तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये वही टीम है जिसने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ में कई रिजल्ट दिए हैं, जिनके साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी ज्वाइन करें। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे यहाँ पे, और हेडिंग किस नाम से आएगा, हमारा हेडिंग आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा जो हेडिंग आएगा वो आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम किस नाम से जानते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम आय का चक्रीय
प्रवाह कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम किस नाम से जानते हैं? हम इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कैसे पैसों का रोटेशन होता है, पैसा कैसे घूमता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो इकोनॉमी में जो फैक्टर्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उसमें चार लोग होते हैं। एक पर्सन होता है, दूसरा फर्म होता है, एक गवर्नमेंट होता है और एक फॉरेन सेक्टर होता है। तो वैसे तो चार सेक्टर होते हैं, पर हमारे सिलेबस में नॉर्मली जो है वो टू सेक्टर ही किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम दो की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है किसका, फर्म का नाम लिख दिया है। यहाँ मैंने नाम लिख दिया है किसका, घरेलू व्यक्ति का नाम लिख दिया है। बहुत ध्यान से देखना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपको बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया है, फर्म ले लिया है। यहाँ हमने क्या ले लिया है, घरेलू व्यक्ति ले लिया है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए मुझे फर्म का काम क्या होता है, क्या होता है बताओ? फर्म का काम होता है प्रोडक्शन करना, अभी हमने देखा था। तो बताओ फर्म का काम होता है प्रोडक्शन करना, तो फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए किस किस की जरूरत है? फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए जिनकी जरूरत है उसी को तो हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो बेसिकली बताओ फर्म का काम है प्रोडक्शन करना। फर्म को काम करने के लिए जरूरत किसकी है, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की जरूरत है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि लैंड, लेबर, कैपिटल का मालिक कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल का मालिक कौन है, हाउस होल्ड है। तो फर्म को प्रोडक्शन करना है तो फर्म किसके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे और इनको कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास में जो जमीन है वो हमें दे दो, तुम्हारे पास जो पैसा है वो हमें दे दो और तुम काम करने आ जाओ। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले ये जो घरेलू व्यक्ति हैं ये बेसिकली इनको अपनी क्या देते होंगे, फैक्टर सर्विसेज देते होंगे। फैक्टर सर्विसेज को हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम कारक सेवा के नाम से जानेंगे। किस नाम के से जानेंगे, कारक सेवा। कारक सेवा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग फैक्टर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो आप देखो, अच्छा इन्होंने इनको जो सर्विस दी है बताओ वो कौन कौन सी है, क्या 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 सर्विस दी होगी बताओ। इन्होंने इनको लैंड दी होगी, इन्होंने इनको पैसा दिया होगा, इन्होंने इनको लेबर दी होगी, श्रमिक दिया होगा। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या परिभाषा हो जाएगी फैक्टर इनकम की, फैक्टर सर्विसेज की। फैक्टर सर्विस, कारक सेवा, वो सर्विस होती है जो हाउस होल्ड फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए देते हैं, खत्म। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बराबर है। अब बताओ इन्होंने अपनी सर्विस फर्म को दे दी है, क्या पैसा नहीं लेंगे? इन्होंने अपनी जमीन दी है इनको, पैसा नहीं लेंगे? इन्होंने पैसा दिया है इनको, उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं लेंगे, लेंगे कुछ पैसा? तो इसका मतलब अब इन्होंने इनको सर्विस दी है, अब ये इनको कुछ ना कुछ पैसा देंगे। अब ये इनको पैसा देंगे, इसका मतलब अब जो तीर है वो यहां से यहां जाएगा, अब तीर यहां से यहां जाएगा, है कि नहीं? अब बताओ जमीन के बदले में ये लोग क्या लेंगे, पैसा मतलब क्या, जमीन के बदले में क्या रिसीव होता है बताओ? अगर मैं अपनी जमीन किसको दूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या रिसीव होगा? जमीन के बदले में सर जो रिसीव होगा वो रिसीव होगा किराया, मानते हो इस बात को? जमीन के बदले में जो रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा, किराया, जिसे हम रेंट का नाम देते हैं, बराबर है। उसके बाद बताओ इन्होंने इनको अपना पैसा दिया, मैं आपको अपना पैसा दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट यहां आ जाएगा वो आ जाएगा ब्याज का, जिसे हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। मैं यहां काम करने गया, जब कोई पर्सन फर्म में काम करने जाता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है, उसे मजदूरी मिलती है, उसे लेबर मिलता है, उसे कंपनसेशन मिलता है, आप लोग ये कह सकते हो। तो बेसिकली यहां मैं लिख रहा हूं मजदूरी, श्रमिक को उसके काम के बदले में क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, जिसे हम लोग वेजेस का नाम देते हैं, मान गए? मतलब इस फ्लो चार्ट से आपको तीन परिभाषाएं जो है ना वो एक साथ कवर होने वाली है, ओके। अब बड़े ध्यान से देखना, ये कौन थे हम लोग, ये कौन थी फर्म,
सबसे पहले फर्म का काम क्या था, प्रोडक्शन करना। तो फर्म प्रोडक्शन करने के लिए किसके पास में गई, इनके पास में गई और कहती है भैया हमको प्रोडक्शन करना है, तुम्हारे पास जो फैक्टर्स हैं वो तुम हमको दो। तो इन्होंने इनको फैक्टर्स दिए, क्या क्या दिए, इन्होंने इनको लैंड दिया, इन्होंने इनको कैपिटल दिया, इन्होंने इनको लेबर दिया। इसके बदले में इन्होंने इनको पेमेंट किया है। तो बताओ ये जो रेंट है, इंटरेस्ट है और वेजेस है, ये इनके लिए खर्चा है कि इनकम है? क्या इनके लिए? इनके लिए तो खर्चा है ना, क्योंकि फर्म तो पे कर रही है। तो इनके लिए जब खर्चा है तो मैंने इनसे पूछा, हमने फर्म से पूछा कि तुम्हारे लिए ये सब क्या है, तो फर्म कहती है साहब हमारे लिए तो ये पेमेंट है, क्योंकि हमने तो पेमेंट किया है। तो इसे मैंने इनसे पूछा कि तुम इसे क्या नाम दोगे, तो इन्होंने कहा इसे हम लोग नाम देंगे कारक लागत, कारक या साधन लागत। लागत कह दो या भुगतान कह दो, एक ही बात है। जिसे हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, हम लोग इंग्लिश में इसे फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट की परिभाषा याद थोड़ी करनी है, अपने आप समझ में आ गई। बताओ फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत कौन सी लागत होती है? जो पे कौन कर रहा है, फर्म किसको कर रही है, हाउस होल्डर कर रही है। तो यही परिभाषा है कि वो पेमेंट जो फर्म के द्वारा घरेलू व्यक्तियों को उनके द्वारा जो लिए गए उत्पादन के साधन हैं उसके बदले में दिए जाते हैं, उसी को फैक्टर पेमेंट कहते हैं, उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, साधन लागत या कारक लागत कहते हैं। ठीक है। यस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनके पास में आया, इनसे पूछा कि ये जो चारों हैं ये तुम्हारा खर्चा है कि इनकम है? तो ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हमारे लिए तो इनकम है ये। तो इनके लिए जो इनकम है और जो इनकम रिसीव हो रही है ये फैक्टर सर्विस के बदले में हो रही है। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा भैया हमारे लिए ये इनकम है, तो इस इनकम को हम कहेंगे कारक आय। क्या कहेंगे बोलो? इसे हम कारक आय कहेंगे, या हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे। तो बताओ इसकी परिभाषा भी याद करने की जरूरत थोड़ी अलग से। बताओ फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है जो रिसीव हो रही है किसको? हाउस होल्ड को, घरेलू व्यक्तियों को। किससे रिसीव हो रही है, क्यों रिसीव हो रही है? क्योंकि उन्होंने अपने उत्पादन के साधन उनको दिए थे, उसके बदले में रिसीव हो रही है। तो वो इनकम जो घरेलू व्यक्तियों को फर्म से रिसीव होती है उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब बताओ वापस कहानी को रिवर्स ले जाते हैं। बताओ सबसे पहले फर्म थी, बताओ फर्म का काम क्या था? फर्म का काम था प्रोडक्शन करना था। बताओ फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए इन सब की जरूरत थी, फर्म प्रोडक्शन कर क्यों रही थी ये बताओ? फर्म ने इनसे ये सब चीजें ली है, जमीन ली है, पैसा लिया है, फर्म प्रोडक्शन क्यों कर रही थी? अरे पैसा कमाने के लिए। तो फर्म ने जो गुड्स बनाए हैं उस गुड्स को फर्म बेचेगी या अपने पास ही रखेगी? बेचेगी। किसको बेचेगी? हमको ही बेचेगी। इसका मतलब अब तीर वापस नीचे से चालू होगा तो क्या होगा बताओ? अब फर्म अपना गुड्स बेचेगी, किसको बेचेगी? हमें बेचेगी। मतलब यहां क्या हो रहा है, अब यहां वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? वस्तु और सेवाओं का बोलो क्या हो रहा है, विक्रय हो रहा है, सेल हो रहा है। इन्होंने इनको माल वस्तु जो बनाई है वो बेच दी है। अब बताओ इन्होंने इनको वस्तु बेची, ये पैसा नहीं लेंगे? फ्री में दे देंगे क्या? पैसा लेंगे ना। इन्होंने इनको मोबाइल बेचा है तो ये पैसा देंगे? हमने अगर मोबाइल खरीदा है तो फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ से यहाँ पेमेंट होगा। अच्छा बताओ ये पेमेंट कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहे हैं। और ये जो हाउस होल्ड का खर्चा है ये किस बात का है? हाउस होल्ड ने क्या किया है? हाउस होल्ड ने इन गुड्स को कंज्यूम किया है, उपभोग किया है। तो इस खर्चे को हम क्या नाम देंगे? इस खर्चे को हम नाम देंगे उपभोग व्यय। इस खर्चे को हम क्या नाम देंगे बोलो?
उपभोग व्यय नाम देंगे, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आप देखो इस पूरे फ्लो चार्ट से आपको समझ में आया होगा, बताओ इस पूरी कहानी में सबसे पहले पैसा कमाया किसने? सबसे पहले किसने कमाया था? इन्होंने कमाया, और जो पैसा इन्होंने कमाया वो वापस किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। देखो पैसों का रोटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो पैसों का रोटेशन होता है वो ऐसे ही घूमता रहता है। यहाँ हमने ये माना है कि पर्सन सेविंग नहीं कर रहा है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। ये जो घरेलू व्यक्ति हैं, अगर मान लो ये 100 रुपये कमाते हैं तो 100 में से ये यहाँ 70-80 का ही खर्चा करेंगे, 20 रुपये बचा लेंगे, उसे हम लोग सेविंग कहते हैं। फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे सेविंग जो है वो नहीं है। क्लियर है? तो ये फ्लो चार्ट आप ऐसा कैसा बना लो, फिर मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है, कारक सेवा फैक्टर सर्विस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और फैक्टर इनकम क्या होती है, उसकी सिस्टमेटिक परिभाषा लिखवा देता हूँ, क्योंकि परिभाषा से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एक ही करके, परिभाषा लिखिए। सबसे पहले फैक्टर सर्विस कारक सेवा, फैक्टर सर्विसेज कारक सेवा। कॉपी नहीं लाया आज, कोई बात नहीं। फैक्टर सर्विसेज कारक सेवा, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। पहले हिंदी वाले लिखिए, कारक सेवा वे सेवाएं होती है, कारक सेवा वे सेवाएं होती है जो जो घरेलू व्यक्ति द्वारा, जो घरेलू व्यक्ति द्वारा फर्म को उत्पादन करने के लिए, फर्म को उत्पादन करने के लिए भूमि, पूंजी, श्रम के रूप में दी जाती है, भूमि पूंजी श्रम के रूप में दी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड, विच आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड, विच आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स, हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर प्रोडक्शन। हिंदी वाले लिखेंगे अगली परिभाषा, कारक लागत, ठीक है। अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना, कारक लागत भी कह देते हैं, साधन लागत भी कह देते हैं, कारक भुगतान भी कह देते हैं और साधन भुगतान भी कह देते हैं। अब एग्जाम में अलग अलग नाम से आ सकता है, तो आप लोग लिख लेना उसी तरीके से, कारक या साधन लागत या कारक भुगतान या साधन भुगतान, ये सब एक ही बात है। तो परिभाषा लिखिए, वे लागत जो फर्म द्वारा घरेलू व्यक्तियों को, जो फर्म द्वारा घरेलू व्यक्तियों को उत्पादन के साधनों के बदले, घरेलू व्यक्तियों को
उत्पादन के साधनों के बदले किराया, ब्याज तथा मजदूरी के रूप में चुकानी पड़ती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे फैक्टर पेमेंट कह सकते हो, आप इसे फैक्टर कॉस्ट कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, लिखिए परिभाषा। Those cost which are paid by firm to household for their services in the form of rent, interest and wages. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए कारक आएगी। अगली परिभाषा लिखिए कारक आएगी। कारक आए लिखो इसमें, वह आय जो घरेलू व्यक्तियों के द्वारा उनके द्वारा प्रदान की गई कारक सेवाओं के बदले में किराया, ब्याज, मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। फर्म से प्राप्त होती है। इनकम विच आर रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम फर्म फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये छोटे कॉन्सेप्ट हमारा बेस बना रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये हम देख चुके हैं, इससे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हम ये देख चुके हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया था। मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो तो यही था, फिर हमने उसका डिटेल ऑपरेशन किया वो एक अलग बात है। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो यही चल रहा था कि नेशनल इनकम में ट्रांजेक्शन कौन कौन से आते हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नेशनल इनकम, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो गुड्स के होते हैं उसके बदले में पैसा होना चाहिए, जो सर्विस के होते हैं उसके बदले में पैसा होना चाहिए। तो जब गुड्स और सर्विस के बदले में पैसा मिलता है वो दो तरफा लेन देन होते हैं, और ऐसे ही टू साइडेड ट्रांजेक्शन हमेशा नेशनल इनकम में आएंगे। इन्हीं टू साइडेड ट्रांजेक्शन को हम फैक्टर इनकम कहते हैं, और अभी हमने देखा फैक्टर इनकम क्या होता है, दो तरफा होता है। एक पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है उसके बदले में उसको मिल रहा है, मतलब वो दो तरफा होता है। लेकिन अब यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं कि बताइए कौन कौन से ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आते, है ना। हमने ये तो देख लिया कौन से आते हैं, अब इसका रिवर्स कर दो। हमने देखा वो ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आते हैं जहाँ गुड्स है, गुड्स के बदले में पैसा है, तो उसको रिवर्स करो। गुड्स है पैसा नहीं है तो नहीं आएगा, या पैसा है गुड्स नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। अब इनके एग्जांपल्स को समझेंगे अपन, या फिर बताओ सर्विस है पैसा नहीं है वो भी नहीं आएगा, और पैसा है सर्विस नहीं है वो भी नहीं आएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही सोचेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो यही होगा, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लेन देन। आप लोग हेडिंग डालेंगे
लेन देन जो राष्ट्रीय आय में लेन देन जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं वो लेन देन जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगे, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम उसकी बात कर रहे हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे वस्तु है, गुड्स तो है, परंतु उसका क्या नहीं है, उसका मौद्रिक मूल्य नहीं है। गुड्स तो है लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, या आप कह सकते हो पैसा नहीं है। अब आप सोचो रियल लाइफ में आप ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन करते हो जहां पे आप किसी पर्सन को गुड्स तो दे रहे हो लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं लेते हो। डोनेशन में आप कह सकते हो ऐसा कि हमारी जो हम अगर किसी को डोनेशन देते हैं, पर डोनेशन में वो गुड्स होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप मंदिर गए, मंदिर जाके देखा एक भिखारी को, और देखने के बाद में आपने उससे पूछा तेरे पास मोबाइल है क्या, उसने बोला मोबाइल नहीं है, और आप बहुत खतरनाक, आपने तूफानी काम कर दिया, आपने अपना मोबाइल उसको दे दिया कि ये ले इसको यूज़ कर ले, तो बताओ ऐसा होने से क्या हुआ। आपने उसको गुड्स दिया, मोबाइल तो गुड्स है, पर उसके उससे पैसा लिया क्या नहीं लिया। इसका मतलब क्या ये ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आना चाहिए? नहीं आएगा। क्यों? ट्रांजेक्शन वन साइडेड है या टू साइडेड है? वन साइडेड है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो पहला तो आपने एग्जांपल दे दिया है कि सर अगर हमने दान में दी गई वस्तु, तो अगर हमने दान में कोई वस्तु दी होगी, अगर हमने किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन किया होगा, तो वो डोनेशन की वस्तु कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। चलो ये बात तो समझ में आती है, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और कुछ एग्जांपल बताओ, क्या हमारी सरकार भी फ्री में बांटती है? सब्सिडी तो कैश में हो गई, हमारी सरकार फ्री में लैपटॉप बांटती है क्या? सरकार फ्री में लैपटॉप बांटती है, स्कूटी देती है, बताओ लैपटॉप और स्कूटी गुड्स है कि नहीं है, वस्तु है कि नहीं है? वस्तु तो है। तो सरकार गार्गी पुरस्कार आपने सुना होगा, है ना, तो बताओ गार्गी पुरस्कार में हमारी सरकार ने मान लो स्कूटी दे दी है, तो बताओ वो जो स्कूटी मिली है जिस लड़की को मिली है, बताओ उससे उसके बदले में सरकार ने कुछ पैसा लिया क्या? नहीं लिया। स्कूटी दी है, इसलिए दी है उसने पढ़ाई अच्छी करी, उसके नंबर अच्छे आए हैं, तो बताओ यहां पे सरकार द्वारा अगर किसी वस्तु का क्या हो रहा है, निशुल्क वस्तुओं का वितरण हो रहा है, सरकार के द्वारा निशुल्क वस्तुओं का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो यहां लेन देन तो हो रहा है, लेन देन गुड्स का भी हो रहा है, ओके, लेकिन वो लेन देन नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री गुड्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी नेशनल इनकम में आएगा क्या? ये भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी ट्रांजेक्शन कौन सा है बताओ? वन साइडेड है, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। तो जब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स तो दे रहा है लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं ले रहा है, अच्छा इसमें डोनेशन भी आ सकता है, इसमें गिफ्ट भी तो आ सकता है, हो सकता है आपके फ्रेंड की शादी हो और आपने अपने फ्रेंड की शादी में उसे आईफोन गिफ्ट दे दिया, तो बताओ आपने जो आईफोन गिफ्ट दिया है, बताओ उसमें गुड्स तो है, वो आईफोन तो गुड्स है, लेकिन पैसा लिया गया उससे? नहीं लिया। तो पैसा नहीं लिया है, वो गिफ्ट है, तो ये भी ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक ही तरह से आ सकता है, बताओ इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वहां पे अलग अलग सिचुएशन होगी, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम लोग आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यही तरीका होता है, देखो पढ़ने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा बदलता है। जब हम लोग 12th लेवल पे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं, तो हमारा जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है,
तो सब्जेक्टिव पैटर्न में हमको बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स हैं वो याद करने पड़ते हैं और वहाँ जाके हमको कॉपी में भरना होता है, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की तरफ हम लोग आते हैं तो हमारा पैटर्न पढ़ने का बिल्कुल अलग हो जाता है, हमको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। वहाँ पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे, मन से भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, यहाँ तो एग्जैक्ट एक एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हर एक लाइन से कैसा MCQ निकल सकता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसी मेथड से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल जाता है जैसा हम लोग इससे पहले पढ़ा करते थे। तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे दे सकते हैं लेकिन इन जनरल कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको समझा दिया है। वस्तु है लेकिन मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, पैसा है पर क्या नहीं है, पैसा है पर गुड्स नहीं है, वो भी नहीं आएगा। हमारा हेडिंग ही यही है कि वो ट्रांजेक्शन जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। तो कौन से नहीं होंगे, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड जो ट्रांजेक्शन है बताओ उसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, मुद्रा, मुद्रा है पैसा है परंतु वस्तु नहीं है, परंतु क्या नहीं है, परंतु वस्तु नहीं है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वापस आप ही सोचो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो आप लोग करते हो जहां पे आप किसी को पैसा तो दे रहे हो लेकिन उसके बदले में उससे कुछ नहीं ले रहे हो। अब ऐसे ट्रांजेक्शन कौन करता है बताओ, आप करते हो या कौन करता है बताइए। चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सामने आया है सर। सबसे पहले देखो दो तीन एग्जाम्पल सामने आए हैं। एक तो आपको पता है हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, जेब खर्ची देते हैं। पता वो जो पॉकेट मनी दे रहे हैं उसमें आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन क्या उसके बदले में आपने अपने घर वालों को कोई गुड्स या सर्विस दी है, क्या नहीं दी है, उल्टा परेशान और किया होगा लेकिन फिर भी पॉकेट मनी मिल रही है। तो पैसा तो है पर गुड्स वहाँ पे नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दिया हमारी सरकार क्या देती है बताओ, हमारी सरकार सब्सिडी देती है, स्पेसिफिक फर्म का नहीं मिलता, देता सरकार द्वारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी बताओ किसको मिलती है, सब्सिडी किसको मिलती है बताओ, सब्सिडी हमको मिलती है क्या बताओ, हमको तो मिलती है। जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है तो मिल रही है। सरकार फर्म को सब्सिडी देती है क्या, हाँ फर्म को भी देती है। तो सरकार सब्सिडी दोनों को देती है, फर्म को भी देती है और हमको भी देती है। तो बताओ हमसे सरकार ने जो डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर है उस पर हमको सब्सिडी दे दी, बताओ क्या उसके बदले में हम सरकार ने हमसे कुछ लिया, नहीं लिया। सरकार कहती है कि आप क्या करो, कोई एग्रीकल्चर की का काम करो, जैसे मान लो आप डेयरी खोलो, सरकार बोलती है अगर आप डेयरी खोलते हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो तो हम भी आपके साथ में हैं, जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा 50% हम देंगे, 50% आप लगाओ। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, 1 करोड़ रुपए की डेयरी लगानी है, 50 लाख रुपए ही आपको लगाने हैं, 50 लाख रुपए तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है आपकी। ऐसे ही आपको पता है आजकल सोलर का जमाना आ गया है, लोग अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो घर में लाइट का बिल नहीं आता, सरकार उसमें भी सब्सिडी देती है। अब तो हालांकि बहुत कम हो गई बट फिर भी सरकार अच्छी खासी देती है। तो बताओ सरकार वो जो सब्सिडी दे रही है तो वो उसके बदले में सरकार ने आपसे कुछ लिया क्या, नहीं लिया। ऐसा तो नहीं है कि वो जिसको सरकार कृषि एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार उसको बोलेगी तू जो कमाएगा उसमें 50% तेरा होगा 50% मेरा होगा, सरकार ऐसा बोलती है क्या, नहीं बोलती। तो बेसिकली सरकार जो सब्सिडी दे रही है वहाँ पे भी पैसा तो है लेकिन क्या नहीं है बताओ, कोई गुड्स नहीं है। ऐसे ही सरकार क्या कर रही है, सरकार मान लो गार्गी पुरस्कार में पैसा दे रही है, सरकार गार्गी पुरस्कार में कोई पैसा दे रही है, सरकार ने मान लो गार्गी पुरस्कार में कोई नकद पैसा दे दिया, 51,000 रुपये दे दिए, या सरकार ने और किसी भी प्रकार की बोलो क्या दे दी है,
छात्रवृत्ति दे दी है, स्कॉलरशिप दे दी है, तो बताओ क्या स्कॉलरशिप के कोई भी ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएंगे क्या? बोलो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे पैसा तो है लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार का गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। डन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन। फिर हम बात करते हैं तीसरा ट्रांजेक्शन, और क्या हो सकता है जो ट्रांजेक्शन कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। अब गुड्स की बात तो कर ली है, अब सेवा की बात करते हैं। सेवा की बात करते हैं तो वापस वही पॉइंट हो जाएगा। बताओ पहला पॉइंट क्या होगा? सेवा है परंतु, सर्विस तो है परंतु क्या नहीं है उसका? उसका मौद्रिक मूल्य नहीं है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो सर्विस तो है लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब इसका भी एग्जांपल दे दो, बताओ। बिल्कुल सही कहा, सर्विस तो है ना, सर्विस तो है। जैसे एग्जांपल दिया है और बिल्कुल सही दिया है आपने कि जो गृहिणी होती है ना, गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ होती है, हाउसवाइफ की जो सेवा होती है, बताओ उसके बदले में तो कुछ पैसा वो नहीं लेती है ना। हमारे घर में जो मम्मी है वो हमको सेवाएं दे रही है बहुत सारी, और उसके बदले में कोई पैसा नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत बार जब हम लोग शादी में जाते हैं तो शादी में एक काउंटर होता है जहाँ पे गरम गरम चपाती निकल रही होती है। हमने देखा होगा बहुत बार वहाँ पे जनरली फीमेल ही होती है जो वो गरम गरम चपाती बन के दे रही होती है। तो बताओ वहां उसको जो पैसा मिल रहा है क्या वो राष्ट्रीय आय में आएगा? एक वुमेन शादी में जा रही है, वहां पे जाके वो काम कर रही है ना, एज अ कैटरिंग काम कर रही है, तो जो पैसा मिलेगा क्या वो राष्ट्रीय आय में आएगा? वो तो आएगा क्योंकि सर्विस है, पैसा भी मिल रहा है। लेकिन वही वुमेन जब अपने घर में काम कर रही है तो क्या कोई पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो वो कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे मान लो हमारे में से कोई एक पर्सन है जो बहुत बढ़िया गाना गाता है, अब वो जगह जगह जाके शो करता है, तो बताओ वो जगह जगह जाके शो करता है, उससे पैसा कमाता है, वही उसका प्रोफेशन है, तो बताओ उसको गाना गाने से जो पैसा मिल रहा है, शो करने से जो पैसा मिल रहा है, क्या वो राष्ट्रीय आय में आएगा? वो तो आएगा क्योंकि सर्विस है, पैसा सर्विस दे रहा है, पैसा मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो पर्सन हमारे बीच में है, हम उसको कहते हैं कि यार आज गाना गा के सुना दो, बढ़िया माहौल बना दो क्लास में, उसने गाना गाया, तो क्या हम पैसा देंगे उसको? नहीं देंगे। तो बताओ क्या वो आएगा? नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पैसा दोगे उसके बदले में, बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन आएगा? आएगा। लेकिन मान लो मेरे घर में ही कोई छोटा भाई है मेरा, वो जूनियर अकाउंट की तैयारी कर रहा है, मैं रोज उसे एक घंटे दो घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। तो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं गृहिणी की सेवाएं, या हम इसे कह सकते हैं रिश्तेदारों को दी गई सेवाएं। ये सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, सर्विस सेक्टर में लोग फ्री में बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। कोई आदमी मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ले यार मेरा भी रिटर्न बढ़ दे यार, होता है ऐसा। कोई आदमी मान लो डॉक्टर है, उसके बहुत खास दोस्त है, अब वो उसको मान लो बुखार आ रहा है, वो वहाँ जाएगा तो पैसा थोड़ी देगा, है कि नहीं? ऐसे ही कोई पर्सन इंटीरियर डेकोरेटर है, इंजीनियर है, तो उससे फ्री में ही सेवा ले लेंगे, यार ले यार तो बैठा है, ले मेरे घर का भी नक्शा बना दे। तो ये फ्री सर्विसेज होती है, इसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो रिश्तेदारों को दिया गया सेवाएं जो है वो शामिल नहीं होती। और बताओ और कुछ एग्जांपल, क्या चीज? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हो लंगर जो लगते हैं, या इस प्रकार से कहीं भी अगर आप सेवा धर्मार्थ के लिए की गई सेवाएं जो होती है ना, हम इसे कह सकते हैं धर्मार्थ के लिए जो की गई सेवाएं होती है। जैसे आप देखो बहुत सारे लोग जो है वो एनजीओज में काम करते हैं। अब जो एनजीओज में काम करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, निस्वार्थ बच्चों को कपड़े बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, तो वो सर्विस तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अब आप शायद एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप सोच सकते हो
और ये देख सकते हो, जज कर सकते हो कि वो ट्रांजेक्शन एश इनकम में आएगा या नहीं आएगा। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, हम तो केवल कुछ एग्जाम्पल से उसको समझ रहे हैं ताकि एग्जाम में अपने को दिक्कत नहीं आए। तो तीन पॉइंट हमारे हो चुके हैं। हाँ, अगर उसके बदले में स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो फिर आएगा। जैसे सीए के जो आर्टिकल्स होते हैं, जब उनका सीए एंटर हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है, तब वो किसी न किसी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करते हैं तो उसके बदले में पैसा मिलता है। हालांकि छोटे छोटे शहरों में, हमारे उदयपुर जैसे शहर में तो 1000-1500 रुपये में दे के टरका देते हैं सीए, लेकिन जो अच्छी मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे मुंबई में 10,000-15,000-20,000 रुपये मिलता है। तो वो जो पैसा मिल रहा है वो काम के बदले में मिल रहा है, तो वो तो आएगा। अगर पैसा आ गया है तो वो आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे फैक्टर की। चौथे फैक्टर में बताओ क्या है, चौथे फैक्टर में क्या आएगा बताओ? मौद्रिक मूल्य तो है, चौथे फैक्टर में आएगा मौद्रिक मूल्य है, परंतु क्या नहीं है बोलो, परंतु क्या नहीं है? सेवा नहीं है। तो मौद्रिक मूल्य तो है लेकिन क्या नहीं है? सर्विसेज नहीं है, वो नहीं आएगा। अब बताओ ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पे पैसा तो मिल रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की सर्विस नहीं दे रहे हो आप, बताओ? जब आप लोग जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे तो आपको रिटायरमेंट तक जो सैलरी मिलेगी, बताओ वो नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी? वो तो आएगी, आपने सर्विस दी है, आपको पैसा मिला है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी तो मिलती है। तो जो पेंशन आपको मिलती है, बताओ वो वन साइडेड है या टू साइडेड है? वन साइड है, क्योंकि जो पेंशन मिल रही है उसके बदले में काम थोड़ी कर रहे हो, समझ रहे हो? पेंशन रिटायरमेंट होने से पहले तो कंपनी जो आपको दे रही है वो सब नेशनल इनकम में आएगा। जैसे मान लो आपको पता है हर एक पर्सन को पूरे साल में कुछ छुट्टियों का पैसा मिलता है, मिलता है मतलब वो छुट्टियां, वो पर्सन जो है वो उन छुट्टियों को ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, ये तो पता है आपको। मान लो एक पर्सन को कहा कि भैया साल में 10 छुट्टियां ले सकते हो, अब अगर उसने मान लो छुट्टियां जो है वो 10 नहीं लेके 5 ही छुट्टियां ली है, तो 5 छुट्टियां बच गई है, उन छुट्टियों का पैसा वो ले रहा है, बताओ क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? साल में 10 छुट्टियां ही ली है, इसे लीव एनकैशमेंट कहते हैं हम लोग, छुट्टियों का पैसा इनकैश करवाना। तो एक सरकारी कर्मचारी है, उसको साल की 10 छुट्टियां मिली है, 10 में से उसने कितनी छुट्टियां यूज करी है? उसने कुछ छुट्टियां ही यूज करी है, बाकी छुट्टियां यूज नहीं करी। तो जो छुट्टियां उसने यूज नहीं करी है उसका पैसा वो कंपनी से इनकैश करवा सकता है। हालांकि दो ऑप्शन होते हैं, या तो रिटायरमेंट टाइम पे ले ले या फिर साल खत्म होते ही ले ले। उसने साल खत्म होते ही बोल दिया सर 4 छुट्टियों का पैसा बाकी है, दे दो मेरे को आप, तो उसने वो जो पैसा लिया क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? वो नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि वो छुट्टियों का बेनिफिट उसको मिला ही इसलिए है क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या रिटायरमेंट के बाद उसको ये बेनिफिट मिलेगा? रिटायर होने के बाद में क्या ऐसा बेनिफिट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। तो जब तक पर्सन सर्विस में काम कर रहा है उसको बेसिक सैलरी मिलती है, कुछ अलाउंसेस भत्ते मिलते हैं, है ना, कुछ फैसिलिटी मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, ये सब कुछ आएगा क्योंकि ये मिल इसलिए रहा है क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। जब निकल जाओगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला ही हम लोग लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं हम लोग पेंशन। तो पेंशन में पैसा तो है लेकिन किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं है। और कोई एग्जांपल, बेरोजगारी भत्ता, बहुत बढ़िया है, शानदार। बेरोजगारी भत्ता हमारी राजस्थान सरकार भी देती है, आपको पता हो तो। राजस्थान सरकार भी बेरोजगारी भत्ता देती है, हालांकि ऐसे नहीं मिलता, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में आपका जो है वो नंबर आता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद में गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 3 महीने 6 महीने जाना पड़ता है, वहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग लेने के बाद में सरकार की नज़र में अब आप स्किल्ड हो गए हो, बराबर है, फिर आप जॉब के लिए ट्राई करो, और फिर नहीं मिलता है तो सरकार बोलती है हम आपके साथ में हैं, हमने तुमको स्किल्ड बना दिया, है ना, हमने तुमको स्किल प्रदान कर दिया, अब नहीं मिल रहा है, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हें जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है वो देने वाले हैं। वुमेन को जो है वो 4500 पर मंथ तक मिलता है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। महीने का 4500 मिल रहा है लेकिन ये
एक बार ही है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी जॉब लग गई फिर उसके बाद में जॉब छोड़ दी, वापस खाली बैठ गए, वापस अलाउ कर दिया, तो लाइफ टाइम में आप एक बार ऐसा कर सकते हो और सरकार से इस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हो। सरकार ये जो बेनिफिट आपको दे रही है ये बेसिकली क्या है, पैसा तो है लेकिन किसी भी प्रकार की सर्विसेज नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो ये बहुत कम होता है, सारे ही स्टेट में बहुत कम होता है। ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो इंडिया के हिसाब से 1.5 लाख रुपए है ना। फिनलैंड में भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो सरकार का ये मानना है कि भैया अगर आप खाली बैठे हो तो वो हमारी जिम्मेदारी है, तो आप हम आपको पैसा देंगे, आप लोग कोशिश करते रहो। टर्म्स कंडीशन जैसे मैंने यहाँ बताया, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो बहुत अच्छा होता है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है किसी को, जहाँ पे पैसा तो है लेकिन किसी भी प्रकार की सर्विसेज नहीं है? चोरी कोई सर्विसेज नहीं है, है? हाँ, रिटर्न में, पर वो चोरी छुपके वाला काम हो गया ना। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि दिखते हुए में कोई पर्सन कर रहा है, इसमें अलग ही वापस वही वाली बात है, दोस्तों के सामने गाना गाना। यहाँ पे भी क्या हुआ हो रहा है कि नहीं, सॉरी, वो तो पिछला वाला उदाहरण हो गया। तो जहाँ जहाँ पे पैसा मिल रहा है लेकिन उसके बदले में आपने किसी भी प्रकार की कोई सर्विस परफॉर्म नहीं करी है, वो ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्या सभी को समझ में आ गया है? ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। किसमें? हाँ, पर उसमें भी मैंने तो ये देखा है कि जैसे मान लो आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाते हो, अब ट्रेन का रिजर्वेशन आप कराते हो सपोज IRCTC से, तो IRCTC से जब आप रिजर्वेशन करवाते हो तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है। तो लेना है तो बहुत कम पैसा लगता है और उस पैसे के बदले में सरकार दे रही है, तो वो तो नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि सरकार ने पैसा लिया है। पैसा आपके 2 ऑप्शन, अगर आप मना कर दोगे तो ट्रेन इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो कवर होने के लिए भले ही आपको एक पैसा भी देना पड़ रहा है, सर्विस मिल रही है, मतलब वो डबल साइडेड ट्रांजेक्शन हो जाएगा। हाँ, जितनी भी विधवा पेंशन योजना है या कोई पर्सन अपंग हो गया है उसे पेंशन मिल रही है, मतलब पेंशन योजना जो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे कवर है। हाँ, कोविड में डेथ हुई थी, कोविड में कोई बच्चा अनाथ हो गया है, अब जैसे मान लो अभी इस बार के बजट में ही अनाउंस हुआ कि जो बच्चा कोविड में जो है वो अनाथ हो गया है उसे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देगी, इस बार के बजट में ही अनाउंसमेंट था। तो अगर इस प्रकार से चीज़ें चल रही है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन क्या आने वाले हैं, नेशनल इनकम में शामिल क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न में सरकार उनसे कुछ भी नहीं ले रही है। क्लियर है? तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए हैं ना, पहला, ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये जो सारे ट्रांजेक्शन बताए हैं ये चारों होते हैं किस कैटेगरी के, ये चारों कहलाते हैं हस्तांतरण आय। ये कौन सी इनकम होती है? ये सारी कहलाती है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। नोट कर लिया आपने ये चारों नोट कर लिए होंगे? ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हो गया है तो इसी के जस्ट नीचे आप लोग नोट करो, इसी के नीचे आप लोग नोट करो, हेडिंग डालेंगे आप लोग हस्तांतरण आय, जिसे हम ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं।
वैल्यू के बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं होता, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज, मौद्रिक मूल्य के बदले में कोई वस्तु तथा सेवा नहीं होती, ऐसी आय को हस्तांतरण आय, ऐसी आय को हस्तांतरण आय ट्रांसफर इनकम कहते हैं, तथा ये कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आती है लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती। क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, आपको बस घर पर जाके क्या करना है, ये जो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस इनको घर पर जाके एक दो बार रीड करना है, अभी कुछ भी याद करना स्टार्ट नहीं करना है। धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सही ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं। बाकी मैं जैसे से जैसे कल पढ़ाऊंगा तो आते ही एक बार हम लोग पुराना रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। इसी बात को देखते हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता का एक नया बैच आरपीएससी अड्डा पर ऑफलाइन शुरू हो रहा है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो तो जुड़ ही जाइए, क्लासेस शुरू हो चुकी है, लेकिन एक फ्रेश बैच ऑफलाइन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है 4 मार्च 2024 को। तो अगर आप उदयपुर संभाग के आसपास रहते हैं या राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं और उदयपुर आकर एक ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ जाइए। 4 मार्च शाम 4 बजे ये सेमिनार और क्लास जो है वो रखी जा रही है। ये वही टीम है, वही टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है जिस टीम के द्वारा जो 2013 में 2016 में हाईएस्ट सिलेक्शन दिए थे और 2021 में भी टॉप 3 रैंक जो है वो हमारी थी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, मिलेंगे हम लोग इस सेशन में।